ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਧੁੱਪ ਆ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਆ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇੱਧਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਣਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੱਝ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਬੱਚੇ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਆਲੂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਲੂ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਛੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਛੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। Thank you.
पेट्रोल पंप से तेल हैगा 98 रुपये 68 रुपये। और जितों आप हमने पेट्रोल पवाया आ ते ये हैगा सी अड्डा कुकड़ा वाला जिन्हों हर्षा शीना भी कहा जाता। तो अपने पिछे हैगा जी इतों अजनला अजनले तो रमदास डेरा बाबा नानक फिर करतारपुर साहब। तो सामने वाली साइड तो है अमृतसर एयरपोर्ट तो अमृतसर शहर। सो चलो अगे चलते हैं। ये हाईवे हो नहीं बन रहा अजे तकरीबन तकरीबन पानी चुका है थोड़ा बहुत ही रह गया। ये है जी अमृतसर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आ इधर दी रस्ता अंदर जान दा इधर अमृतसर मेरी बैक साइड ता ही नाला। हूँ असी आ गया गमटाला। वह अगे जो रोड नज़र आ रहा वह है एक साइड से अटारी दूसरी साइड से जलंधर गोल्डन गेट। इतों जलंधर है 90 किलोमीटर ब्यास 50 किलोमीटर श्री हरिमंदर साहब आ दुरग्याना मंदिर आ वाघा बार्डर जोड़ा है वह है 30 किलोमीटर तो अटारी 28 किलोमीटर। जी हूँ असी आ गए रणजीत एवन्यू। यह भी अमृतसर का बहुत ही मशहूर इलाका आ। इस ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक डी तो ई तक आ। ई ब्लॉक तक इतने आ इस वक्त असं खड़े हुए सी ब्लॉक बहुत वड्डी मार्केट आ पर अजे इस टाइम अजे खुली नहीं हैगी। बाकी दूसरी साइड पर भी आ इधर भी आ ये सारी मार्केट है अजे पर खुली नहीं हैगी। शायद जेडे मेरे वीर आए होंगे उन्होंने पता होगा कि सी ब्लॉक जा रणजीत एवन्यू कि व्डा आ। बाकी अगे जाके तुम होर दिखावे। हम जाना है कोई नीरज सवताल आ लोहारका रोड से इतों हैगा तकरीबन 17 किलोमीटर उत्थे जाना है। सो चलते हैं लोहारका रोड अगे मैं ख्याल गुरु का बाग के लागे बन्ने गुरुद्वारा आ गुरु का बाग साहब वो लागे बन्ने उत्थे जाना है नीरज सवताल। ओके 4 किलोमीटर अपना साइड से लोहारका रोड बाग साहब तो ये काफ़ी दूर है इतों। तो ये अपने लागे पैंदा आ इतिहासिक गुरद्वारा है गुरु का बाग साहब। ये गुरु तेग बहादुर जी का श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरद्वारा साहब आ ये अपने लागे पैंदा तुहानू फिर कितने स्पैशल आन के इन्हां दे दर्शन करा के जावांगे। ये सी नीरज सवताल है तो सवताल छोड़ा जिहा ही आ पर चलो आपां कम सी तो आप हुण चलदे हां। ये जो हॉस्पिटल है यदि बैक साइड पर ही गुरु का बाग गुरद्वारा साहब आ इधरली साइड से हॉस्पिटल सी इधर तो बैक साइड पर ही अजे गुरद्वारा गुरु का बाग साहब ही मैं सोच ही रहा कि उधर ही आ कितने। चलो आप चलते हैं वापस अमृतसर साहब इतों 17 किलोमीटर अमृतसर साहब आ। जी हूँ असी आए सी रेडिसन ब्लू होटल च। ये रेडिसन ब्लू होटल आ पर लिखा हुआ ये रेडिसन ब्लू ये बिल्कुल सारे सामने रेडिसन ब्लू आ और बैक साइड से इधर इसकी बैक साइड से पार्किन होटल आ ते उदी बैक साइड से ब्लैसिंग सिटी आ। ये सारे होटल जो है ये है एयरपोर्ट रोड से बिल्कुल अमृतसर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने हैं। सो इत्थे आए सी मिलन किसी नूं
चलो हुण आपां वापस चलते हाँ। हाँ जी हुणे आपां गुरुकबाग तो आए हाँ, तो हुण घुमा गया जी। तुसीं जाओ लोहारका कला, लोहारका पिंड दे विच जाणा होणा। सो आपां खड़े हाँ डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक आ सारी पिछे, मतलब फोटो क्लीयर नहीं आ रही होनी, ओडी पिछे धुप हैगी। हुण आपां आ गए हाँ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो लोहारका कला पिंड च चले हाँ। वो मेरे खड़ा गुरुकबाग हैगा 17 किलोमीटर, तो लोहारका कला हैगा 10 किलोमीटर है, तो रस्ते जी पीता है, पर उस साइड फिर चले हाँ। हाँ जी ये है जी पिंड लोहारका खुरद, ये लोहारका खुरद आ, तो जोड़ा लोहारका कला वो पहला आता है, वो इधरली साइड पर आ रस्ते आ, इतों किलो क मीटर पिछे आ, वो पहला आता लोहारका कला, तो ये लोहारका खुरद। सानू इस पिंड कम से हूँ असं वापस जा रहे हैं, रणजीत एवन्यू जा रहे हैं अमृतसर ही। हूँ देखो सी ब्लॉक जाने, डी जाने या ई जाने, चलो चलते हैं वापस। आ गए जी फिर तो सी ब्लॉक मार्केट के, मार्केट थोड़ी थोड़ी खुल चुकी आ, गड्डिया गुड्डिया भी आ गई काफ़ी, मार्केट खुल चुकी थोड़ी थोड़ी। इस दूसरी साइड पर भी ऐसे मार्केट हैगी, पर आप इधर कम से चलो इधर चलते हैं। आप आ गए जी हूँ कुलचा लैंड, बी ब्लॉक रणजीत एवन्यू, कुलचा लैंड रेस्टोरेंट है, इन्हें कुलचे बहुत मशहूर आ। सो सवेरे खा के आए हाँ एक आलू वाली रोटी, तो हूँ खाने आया एक एक कुलचा, तो फिर पावे अगे की कार्रवाई। सो आओ चलते हैं कुलचा लैंड। हूँ एक आलू वाला कुलचा खा के, तो हूँ पाई अगली कार्रवाई, हूँ चलिए अगे, तो चलो फिर चलते हैं। ठीक है जी कम गया अपना सारा निबड़, जो भी काम ही आप फ्री हो गए हूँ, हूँ आप चले हाँ अपने घर नू पिंड नू। आप खड़े हाँ ये पिछों जलंधर वालों रोड आ रहा है, तो अटारी वालों जा रहा है, अटारी बाघा बॉर्डर पाकिस्तान वाली साइड पिछों जलंधर वालों आ रहा है। तो घर चले हूँ बस, ये सामने अटारी नू जा रहा रोड, ये हाईवे हैगा आ अमृतसर तो अटारी जलंधर रोड। ठीक है आप जलंधर वाली साइड तो आने, तो आप जाना होंगे जी अमृतसर एयरपोर्ट वाली साइड नू, तो इस तरह काफ़ी ना पुल आते ब्रिज आते, कि आप पता नहीं लगता कि आप अमृतसर कितने जाना, क्योंकि कितने भी कुछ लिखा नहीं होया, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा आ। सो इधरली साइड पर ना क्रिश्चन भाईचारे वालों ना गिरजाघर आ, सब तो सौखी पहचान पुल के बिल्कुल सामने आ साइड पर गिरजाघर आ। ये पुल के थले थले जाना है, इस पुल के थले इतों हो जाना है, तो राइट हैंड साइड हैगा आ अमृतसर एयरपोर्ट, अजनाला रमदास, लेफ्ट हैंड साइड हैगा जी श्री अमृतसर साहब। ठीक है जी लो जी हूँ असी आ गए एयरपोर्ट रोड से बिल्कुल सबवे के उपर, सबवे के सामने आ आई वी वाई हस्पताल, आई वी वाई हस्पताल जी, आई वी वाई हॉस्पिटल एयरपोर्ट सबवे।
हाँ जी घर पहुँच गए हाँ जी। बाइक रोकना आ गया सी ते मैं कहा चलो घर ही रोक देना है। पिछे आवाज़ आ रही बाबा जी की, श्री खंड पाठ साहब धरे हुए ने गुरद्वारा साहब, अज धरे आ ते परसों भोग आ। ठीक है दस भज गया है अच्छा। हाँ जी दिन डुब गया जी, सूरज थले चला गया, नेरा होने वाला हो गया ते बाबा जी की आवाज़ आ रही है। खंड पाठ साहब धरे हुए ने ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।